आश्चर्य, मल्लयुद्ध में अपने अपमान के पश्चात आप एक बार पुनः खेल की प्रतियोगिता का प्रस्ताव मेरे सम्मुख ले आए मित्र सेल्यूकस। क्योंकि मुझे लगा जो मजबूत रिश्ता हम बनाने जा रहे हैं, जाते जाते उसकी याद हमारे जहन में खुशनुमा हो, ताकि ये हसीन सपना हमारी यादों में बरकरार रहे हमेशा हमेशा के लिए। और खेल से ज्यादा यादगार क्या हो सकता है। मुझे विश्वास है कि आपको यह खेल मनोरंजन देगा। अब इस खेल के नियम महामात्य हमें बताएंगे। खेल के नियम कुछ इस प्रकार है, दो दल है, एक और है मैसिडोनिया और दूसरी ओर मगध। प्रत्येक दल का प्रतिनिधि दूसरे दल के क्षेत्र में यानी पाले में जाकर खिलाड़ियों को स्पर्श करेगा, और जो खिलाड़ी सुरक्षित अपने दल में आएगा उसे उतने ही अंक मिलेंगे जितने खिलाड़ियों को उसने स्पर्श किया, और स्पर्श किए हुए खिलाड़ी दल से बाहर हो जाएंगे। परंतु स्मरण रहे, जो खिलाड़ी विपक्षी दल के खिलाड़ी के पकड़ में आएगा उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा, और जो खिलाड़ी अंत तक टिका रहेगा वही कहलाएगा इस खेल का विजेता। खेल आरंभ हो। और खेल के प्रारंभ में ही मैसिडोनिया दल ने एक अंक अर्जित किया है। इत्मीनान रखिए शाह, ये तो महज एक खेल है, लुफ्त उठाइए। अवश्य। और मगध को एक और हानि पहुंची है, उनके दल का एक खिलाड़ी बाहर। इसके साथ मैसिडोनिया 2 मगध 0 पर। और अंक तालिका स्पष्ट रूप से मैसिडोनिया दल की ओर झुक रही है। 5-0 से मगध पीछे है। महामात्य, क्या हो रहा है? ये हमारा दल हार क्यों रहा है? क्षमा चाहता हूं महामहिम, परंतु मैंने मगध के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने थे। ऐसा लग रहा है कि मैसिडोनिया के खिलाड़ी अधिक कुशल है। और अब मगध का अंतिम खिलाड़ी मैसिडोनिया के दल का सामना करेगा। महामाते, ये कुपोषित बालक कहां से आ गया? इसकी आंखों में अभी से भय दिख रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा ये। असंभव, ये जीवित कैसे है? महान सम्राट, मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
कि मगध के दल का अंतिम खिलाड़ी मेरी गुलेल के कारण चोटिल हो गया है, किंतु इसकी भरपाई करने के लिए मैं सज्ज हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसके स्थान पर मगध के दल का प्रतिनिधित्व करना चाहूंगा। पर तुम अवश्य आज्ञा है। कबड्डी पिपलीवान के राजकुमार आए, थक गए होंगे, उनके चरण धोने का प्रबंध करो। कबड्डी मगध से 6-5 से हार गया। क्या हुआ यवनराज? खेल था, खेल की भांति लीजिए। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए खेल प्रतियोगिता खेल के अतिरिक्त और सब कुछ था, है ना? मुझे प्रतीत होता है कि आप इससे अपने अपमान का प्रतिकार लेना चाहते थे, किंतु आप विफल हुए। कोई बात नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हो सकता है कभी आप इस धरती पर मुझे परास्त करें, किंतु अभी आप पराजय स्वीकार कीजिए। क्या कहा था आपने? हाँ, मुख उठाइए।